नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और अब वक्त हो गया खबरें फटाफट का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सियाचिन बेस कैंप का दौरा, सैनिकों से की बात। उड़ने के बाद मुंबई में भी भारी बारिश का अलर्ट, जलजमाव के कारण कई इलाकों में रूट किया गया ड्राइवर। क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई कई दवाएं, पैरासिटामोल, शुगर, हाई बीपी, कैल्शियम, D3 की मेडिसिन भी है शामिल। बस्ती में बजरंग दल के लोगों ने थाने में काटा बवाल, पड़ी हनुमान चालीसा, जमीन पर बैठकर मिन्नत करते रहे दरोगा। लखनऊ में गैंगरेप में सिरोजिनी नगर के एडिशनल SHO सस्पेंड, FIR दर्ज करने में लापरवाही का लगा रहे। शाकिब अल हसन ने किया T20 से संन्यास का ऐलान, भारत के खिलाफ दूसरा मैच हो सकता है उनका आखिरी टेस्ट। UN महासभा के मंच में फ्रांस के राष्ट्रपति ने की भारत की वकालत, UNSC में स्थायी सीट का किया समर्थन। मानहानि मामले में शिवसेना UBT नेता संजय राउत दोषी करार, 15 दिन जेल और 25,000 जुर्माने की लगी सजा। पूर्व CM रेड्डी के शवा अनुष्ठान के ऐलान पर सियासत शुरू, TDP और CPI ने लगाए गंभीर आरोप। विदाई से पहले मानसून का कहर, पौटा में बादल फटा, एक की मौत, शिमला में मूसलाधार बारिश जारी। घरेलू हिंसा में संरक्षण कानून हर महिला पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, कोच की अहम टिप्पणी। नड्डा ने कांग्रेस को बताया शहरी नक्सलियों का प्रवक्ता, अनुच्छेद 370 पर विपक्ष के रुख की निंदा। महालक्ष्मी मर्डर में सहकर्मी ने 50 से ज्यादा टुकड़े करके फरार हुआ, पकड़े जाने के डर से दी जान, डायरी में लिखी दरिंदगी की पूरी कहानी। पीएम मोदी का पुणे दौरे हुआ रद्द, शहर में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली में MCD सदन में हुआ जोरदार हंगामा, मेयर ने 5 अक्टूबर तक कार्यवाही की स्थगित। बिहार में बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा महागठबंधन, सड़क पर उतरे कई कार्यकर्ता। उत्तराखंड में महंगाई ने बिगाड़ा लोगों का बजट, सब्जी और आटे दाल की कीमतों में आया कई उछाल। विदेशी राजदूतों ने मतदान देखने के लिए किया घाटे का दौरा, तो उमर अब्दुल्ला ने जताई नाराजगी। कंगना रनौत के बयान पर TS सहदेव का तंज, कहा कि कंगना रनौत ने अपनी स्थिति ऐसी बना दी है कि उनकी बात का कोई वजन ही नहीं रह गया। नेम प्लेट वाले फरमान पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी सफाई, CM योगी से कोई लेना देना नहीं, हमें कानून और व्यवस्था बनाए रखनी है। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।